नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। नासा ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बारे में जानकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान हैं। नासा ने अपना जूनो मिशन साल 2016 में शुरू किया था, जिसने हाल ही में बृहस्पति के पास से 38वीं उड़ान भरी है। जूनो बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा के पास से गुजर रहा था, तभी वहां पर उसको कुछ अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें एकदम भूतिया लग रही थी। जूनो ने तुरंत इन्हें रिकॉर्ड कर लिया और पृथ्वी पर मौजूद अपने कंट्रोल सेंटर को भेज दिया। अब नासा ने इस रिकॉर्डिंग को जारी कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बृहस्पति के चंद्रमा पर सुनाई दे रही इन आवाजों को कोई भूतिया, कोई एलियंस तो कोई स्टार वॉर्स बता रहा है। जूनो स्पेसक्राफ्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर स्कॉट बोल्टन ने बताया है कि बृहस्पति के 79 चंद्रमा है, जिसमें से अभी सिर्फ 53 का ही नामकरण हुआ है। वही रहस्यमयी आवाजों पर उन्होंने कहा है कि 7 जून 2021 को जूनो ने इसे रिकॉर्ड किया था, जो बेहद स्पष्ट है। इसके अध्ययन से पता चलता है कि ये आवाज बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर के बीच इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ऑडियो तरंगों की है, जो सीटी की तरह लग रही है। उन्होंने आगे कहा है कि 2 दशक में पहली बार जूनो बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड के पास था। जब भी आप इस आवाज को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद जूनो में सवार हैं। इसके अलावा इसे सुनने पर ऐसा भी लग रहा है जैसे गैनीमेड चांद के चुंबकीय क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहा है। हालांकि अभी इस पर विस्तार से अध्ययन करने की जरूरत है। जूनो मिशन की टीम ने जूनो मिशन के स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई तस्वीरों को भी शेयर किया है। इन तस्वीरों में ग्रह के दूसरे वाले वातावरण की खूबसूरती को देख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह पर आए तूफान की तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। बृहस्पति के वायुमंडलीय डायनेमिक्स और पृथ्वी के महासागरों के भौरों में समानताएं नजर आ रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।